हाय फ्रेंड्स, एनडीआर चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम विभाज्यता का नियम सीखने वाले हैं और जैसा कि ये मैथ सिखाने की जो सीरीज चल रही है उसके हिसाब से आज जो है यहाँ तक हम पहुँच पाए हैं। जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं पीछे देख सकते हैं। तो विभाज्यता का नियम क्या है अगर इसको समझा जाए तो जो संख्याओं को सरल करने की दिक्कत आती है वो समस्याएं सॉल्व हो जाएगी। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि विभाज्यता के नियम का मतलब यहाँ बताया गया है कि कोई संख्या किस संख्या से विभाज्य होगी यह जानना विभाज्यता का नियम कहलाता है। जैसे आपके सामने कोई संख्या आ जाती है 36 बटा ये चलिए मान लीजिए यहाँ पर 48 आ जाता है, तो जो स्टूडेंट ये नहीं समझ पाते कि दोनों संख्या एक साथ किससे विभाज्य होगी वो जो है इसको सरल नहीं कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई लड़का इसको 9 से इसको कोई छात्र इसको विभाज्य करता है तो 9 चौके 36 तो कटा लिया, लेकिन 9 से नीचे 48 कट नहीं रहा है, तो इसका मतलब कि उसे विभाज्यता का नियम नहीं पता है। अगर पता होता तो एक बार में ये सोचता कि दोनों संख्याएं एक साथ किससे कटेगी। जैसे मान लीजिए 36 बटा 48 आपका है तो एक बार में सोच पाता है कि 12 तिहाई 36 और 12 चौक 48, तो देखिए इसका सिंपलेस्ट फार्म आपका 3/4 हो जाता है। तो इस चीज़ को हम आज सीखने वाले हैं कि कैसे हम समझ गए कि 12 से दोनों एक साथ कटेगा। इस चीज़ को यहाँ पर कहा जा रहा है विभाज्यता का नियम। तो एक बार और रिविजन कर लेते हैं, कोई संख्या किस संख्या से विभाज्य होगी यह जानना विभाज्यता का नियम कहलाता है। ठीक है, आते हैं हम नेक्स्ट पेज पर और देखते हैं यहाँ पर विभाज्यता का नियम जो है एक एक करके मैं बताने वाला हूँ। जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं, यदि सबसे पहले मैं 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि कोई भी संख्या 1 से तो ऑलरेडी जो है डिविजिबल होती है, विभाज्य होती है। तो यहाँ पर हम 2 की बात कर रहे हैं कि कोई संख्या 2 से कब विभाज्य होती है कैसे जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं लिख दिया हूँ कि यदि किसी संख्या की अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 या 8 है तो वह संख्या 2 से अवश्य विभाजित होगी। अब बताइए अगर इसको आप याद रखते हैं तो 2 से कौन संख्या कटेगी आपको पहले से ही पता चल जाएगी। जैसे मान लीजिए मैंने एक यहाँ नंबर लिखा 3, 5, 2, 6, 2, 8, तो मैं ये लास्ट के नंबर अंतिम अंक ये जो है लास्ट के अंक बस देख कर मैं बता सकता हूँ कि लास्ट का अंक उस क्राइटेरिया में दिख रहा है कि 8 है अंतिम अंक, इसलिए पूरी संख्या 2 से विभाज्य होगी। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए 7, 6, 3, 5 लास्ट में 0 है तो लास्ट में 0 भी अगर है तो ये संख्या क्या होगी 2 से पूरा डिविजिबल होगी। ठीक है, तो आइए 2 से विभाज्यता का नियम तो हम लोग सीख लिए, अब आते हैं यहाँ पर 3 का नियम जानेंगे। 3 से कोई संख्या कब विभाज्य होगी, तो यदि किसी संख्या की सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से अवश्य विभाज्य होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3, 5 ठीक है 1, 0, 3 लिखा हुआ है, अगर आपसे कोई पूछे कि क्या ये 3 से डिविजिबल है तो हम इसके नंबर अंकों को जोड़ेंगे पहले 3 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 0 और प्लस 3। इसको ऐड करने के बाद हम देख रहे हैं कि 3, 5, 8, 1, 9, 3, 12 हो रहा है। अब 12 3 से डिविजिबल है इसलिए हम कह सकते हैं कि 35,103 जो है 3 से पूरा विभाज्य होगा। तो आशा है आप लोग समझ गए होंगे कोई संख्या की 3 से कटने की जांच कैसे करेंगे कि 3 से विभाज्य है या नहीं। इसी तरह से अब हम सीखेंगे कि कोई संख्या 4 से क्यों विभाजित होती है, कब विभाजित होती है। तो इसके लिए यहाँ ध्यान दीजिए, यदि किसी संख्या की अंतिम 2 अंक 0 हो या अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या 4 से अवश्य विभाज्य होती है। इस बात को समझिए, जैसे मान लीजिए मैं एक नंबर लिख रहा हूँ 7, 5, 6, 1, 2 ठीक है 0, 0, तो ये संख्या के लास्ट में 2 अंक 0 हमको दिख रहा है इसलिए ये 4 से विभाज्य होगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ।
ठीक है। तो जब किसी अंक संख्या के अंत में डबल जीरो हो तो 4 से उससे विभाज्य होगा। इसी प्रकार 7, 3, 2, 5, 1, 2 मैंने लिख दिया, तो लास्ट के दो अंक अगर जीरो नहीं है तो 4 से अगर डिविजिबल है, 4 3 12, तभी भी ये पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी, इसकी भी गारंटी है। तो दो कंडीशन इसके लिए है, लास्ट में या तो डबल जीरो होना चाहिए या लास्ट के दो अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए, तो संख्या जो है 4 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह से कोई संख्या 5 से कब विभाज्य होगी, इसको यहाँ जानेंगे हम लोग। यदि किसी संख्या के अंतिम अंक 0 या 5 है तो संख्या 5 से अवश्य विभाज्य होगी। बहुत ही अच्छा रूल है भाई कि कोई भी संख्या अगर मैं लिख रहा हूँ 7, 5, 6 और लास्ट में 0 आ गया, लास्ट में अगर 0 आ गया तो समझिए कि ये 5 से डिविजिबल है। इसी तरह से 7, 3, 2, 1 लास्ट में 5 आ गया, तभी भी ये 5 से डिविजिबल है, इसकी ये गारंटी मिल रही है। ठीक है। तो इस तरह से हम समझ जाएंगे कोई संख्या 5 से कटेगी या नहीं कटेगी। ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि भाई कोई संख्या 6 से कैसे विभाज्य होती है, कैसे जानते हैं कि 6 से विभाज्य होगी या नहीं विभाज्य होगी। तो जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होती है, 6 से विभाज्य होता है, जैसे कि पिछले नियम में आपने देखा कि कोई संख्या 2 से क्यों विभाज्य होती है, 3 से क्यों विभाज्य होती है, अगर दोनों नियम एक साथ अप्लाई हो जाए तो हम उसे 6 से विभाज्य कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 3, 2, 1, 0, मैंने ये लिखा, तो इस नंबर को देखिए ध्यान से, लास्ट में 0 है इसलिए 2 से विभाज्य होगा, और 3, 2, 5, 1, 6, 0, 6, 6, 3 से विभाज्य है इसलिए 3 से भी ये संख्या विभाज्य हो रही है, इसकी पुष्टि हो गई। इसलिए हम कह सकते हैं कि 3210 6 से भी पूरा विभाज्य होगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो जो संख्या 2 से और 3 से दोनों से विभाज्य होगी वो 6 से विभाज्य होगी। इसी प्रकार से कोई संख्या 7 से क्यों विभाज्य होगी, ये बात आती है। तो देखिए 7 से कौन संख्या विभाज्य होगी इसकी जांच करना थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन एक फिक्स संख्या है जिसको हम गारंटी ले सकते हैं कि वो 7 से विभाज्य होगी। कोई भी संख्या यहाँ पर देख लीजिए, कोई भी संख्या लगातार 6 बार 12 बार 18 बार 100 बार भी कर सकते हैं, 18 24, ठीक है, 6 का मल्टीपल लिख देने से वो 7 से अवश्य विभाज्य होती है। जैसे मैंने 8 जो है 6 बार लिख दे रहा हूँ, ठीक है, तो एक संख्या का निर्माण हुआ, ये संख्या 7 से अवश्य विभाज्य होगी, इसकी गारंटी है। ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए मैं 12 ही लिख दिया 6 बार, ठीक है, 12 ही अगर 6 बार लिख दूं तो ये जितनी भी बड़ी संख्या ये बन रही है ये जो है 7 से विभाज्य हो गया, इसकी गारंटी है। तो 6 बार लिखिए, चाहे 12 बार लिखिए, चाहे 18 बार लिखिए, 6 का मल्टीपल होना चाहिए, वो संख्या 7 से अवश्य विभाज्य होगी। ठीक है। अब जो है देखते हैं कोई संख्या 8 से क्यों विभाज्य होती है, इसकी क्या मतलब की शर्तें होती है। तो जिस संख्या का अंतिम 3 अंक 0 हो या अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो, वह 8 से अवश्य विभाज्य होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं 7 ले लिया, 2 ले लिया, 5 ले लिया, 000 लास्ट में लगा दे रहा हूँ, तो ये संख्या के लास्ट में 3 0 है इसलिए 8 से कटेगा, इसकी गारंटी है। ठीक है। एक और उपाय है 3, 2, 5 और यहाँ पर लिख दिए 0, 24, तो इस तरह से लास्ट 3 डिजिट को मिलाकर 24 हो रहा है, ये 8 से विभाज्य हो रहा है, तो हम पूरी संख्या की गारंटी ले सकते हैं कि 8 से विभाज्य होगी। तो 8 से विभाज्य होने के लिए क्या चाहिए, लास्ट के 3 अंक 0 चाहिए या लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए, तो संख्या 8 से विभाज्य होगी। ठीक है। आशा करता हूँ कि ये नियम आप जान जाएंगे एक बार तो आपका जो है सिंप्लीफाई करने का तरीका बदल जाएगा। इसी तरह से हम अगला नियम ये जानेंगे कोई संख्या 9 से विभाज्य क्यों होती है। हमने 2 से शुरू किया और 9 तक इसलिए गया क्योंकि 9 तक ही अंक होते हैं, अगर इतने अंकों से आप डिविजिबल कोई अंक को डिवाइड कर सकते हैं तो वो सिंपल फार्म में आ जाता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए जब किसी संख्या के सभी अंक है यहाँ पर भाई, अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो संख्या 9 से विभाज्य होती है, यानी 3 में जो रूल पढ़े थे 3 से विभाज्यता का, वही रूल यहाँ काम कर रहा है। जैसे मान लीजिए 7, 3, ठीक है,
और 8 0 मैं यहाँ लिखा, और चेक करना चाहता हूँ कि ये 9 से विभाज्य होगा कि नहीं, तो इसके अंकों को मैं जोड़ूंगा, 7 + 3 + 8 + 0। जोड़ने पर 7 3 10 8 18 आ रहा है, 18 9 से डिविजिबल है, इसलिए प्रूफ हो रहा है कि ये संख्या जो है 9 से अवश्य डिवाइड होगी। यानी जब किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से कट जाए तो संख्या 9 से कट जाती है। ठीक है, इसी कड़ी में एक और स्टेप आपको बताना चाहूँगा कि कोई संख्या 11 से कब विभाज्य होती है। ठीक है, किसी संख्या के सम स्थान विषम स्थान के अंकों का योग, अगर योग का अंतर अगर 11 से विभाज्य है तो वह संख्या 11 से अवश्य विभाज्य होती है। जैसे मान लीजिए मैं लिखा यहाँ 3 7 6 5 4 2, और मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या ये 11 से विभाज्य है, तो इसके लिए पहले विषम स्थान जैसे 1 3 5 वाले को जोड़ेंगे तो 7 5 12 2 14 हो रहा है। इसी प्रकार सम स्थान यानी कि 4 6 10 10 3 13, सम स्थान 13 आ रहा है, दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है, 1 11 से विभाज्य नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 37654 11 से विभाज्य नहीं है। अगर ये दोनों का डिफरेंस 11 से विभाज्य होगा तभी वो संख्या 11 से विभाज्य होगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये विभाज्यता का नियम आप समझ गए होंगे और वीडियो को अच्छे से इसको रिवाइज करके देख सकते हैं, इस तरह से आपकी विभाज्यता का नियम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और कमेंट कीजिए, और अच्छा लगे तो भाई वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को ये जानकारी मिल सके, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और इसी के साथ इजाज़त दीजिए, हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।